और देखिए लाइक कोई नहीं करता है, मान लीजिए 1000 अगर मतलब लोग देख भी रहे हैं तो लाइक मिल रहे हैं 10 या 20। मॉर्निंग सफारी की थी तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं टाइगर देखने जा रहा हूँ। देखिए एक और सांप मिला, घर जाते वापसी भी, तो वो तो खैर वाइल्ड लाइफ की मर्जी, उसको पता है कि उसे कहाँ निकलना, कब निकलना, किस जगह निकलना है। ओ भाई ये कौन है? लोगों का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So let's go for Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, Good evening। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका नाइट ड्राइव ब्लॉग्स में। तो शुरुआत है हमारी बेलपड़ा रेंज से, जाएंगे हम अपना देचौरी रेंज। आप यही सोचते होंगे कि आप हम यही जंगल घुमाते हैं, तो देखिए हमारे पास बाइक है, कार नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हैं आप कि ज़्यादा घर से दूर घर वाले भेजना अलाउ नहीं करते हैं। थोड़ा सा ये भी रीज़न है, मतलब हमारा बस चले तो हम तो जिम कॉर्बेट के पास चले जाए, मतलब ढिकाला जोन तक। लेकिन रिस्क भी है बहुत ज़्यादा, सबको पता है कि वहाँ पर टाइगर कितने ज़्यादा हैं, तो घर वाला इतना रिस्क लेने नहीं देगा। कोई बात नहीं, फिलहाल आप ये देखें पावागढ़ का जंगल। जल्दी आपको इसकी स्टोरी सुनने को मिलेगी, कौन कौन पावागढ़ जंगल की स्टोरी सुनना चाहता है, मतलब बैचलर ऑफ पावागढ़ नाम सुना होगा सबने, लेकिन जंगल में ऐसे ड्राइव करते हुए वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि किस किस को वो स्टोरी सुननी है। अगर वो पसंद आती है तो मैं अपनी स्टोरी का सिलसिला जारी रखूँगा। आप लोगों का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो बाकी हम बात करते हैं जैसे कि रोज़ की जंगल का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर या वेदर जो भी कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मौसम आज भी खुला हुआ है, चांद पूरा है, मतलब जो फुल साइज मून होता है, और चांदनी रात है। जंगल में कुछ शोर शराबा नहीं है, जंगल शांत है, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ आती हुई, झींगरों की आवाज़ आती हुई। माहौल थोड़ा सा ठंडा है, मतलब मौसम कह सकते हैं, हवा में थोड़ी नमी है। और बाकी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, रास्ते में मिलेगी तो आपको दिखेगी, अदरवाइज जंगल आप देख रहे हैं। एक बार दिखा दें जंगल थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हल्का सा, ये देखें ऐसा जंगल है तो कुछ नहीं दिखने वाला, अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, बहुत घना जंगल है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। दिन तक में दिखता नहीं तो रात में क्या दिखेगा? जी हाँ, सच्चाई है, और हमारी रियलिटी बेस पर ही वीडियो बनती है, आपको पता ही है। आप लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के हमें पसंद कर रहे होंगे ना, तो फेक कुछ होगा नहीं। ये नहीं कि नकली टाइगर ला के बिल्कुल 3D में बना के रख दिया मैंने VFX से, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो बस अपना साथ देते रहें, अपना प्यार देते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें,
जल्द ही इंशाल्लाह कभी कार आएगी तो आपको अलग अलग रेंजों में भी लेके जाया जाएगा। जैसे कि ये देखिए जंगल ऐसा है, ये देखिए कितना घना जंगल है, कुछ नहीं दिखेगा। तो सीधा सीधा अपना रोड पर चलते हैं और आप बातचीत करते हुए चलेंगे, कुछ मिलेगा तो रोड पर होगा, आपके सामने कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियो कंटिन्यू ऑन रहती है, आप लोगों से बातचीत होती रहती है। और मैं बात कर रहा था वाइल्ड लाइफ की, वो दिखेगी तो दिख जाएगी। फिलहाल जंगल की थोड़ी आवाज़ सुनते हैं और महसूस करते हैं जंगल को। ओ भाई देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जो जंगल प्रेमी है, वाइल्ड लाइफ प्रेमी है, वो पूरी जी जान से, मतलब लगन से जंगल से जो प्रेम करते होंगे, वो सिर्फ जंगल देखना भी पसंद करेंगे। और आप जंगल थोड़ा थोड़ा देखते चलें, हम दिखा रहे हैं आपको। जो जंगल की खुशबू होती है, उसकी मिट्टी है, उसके पत्ते हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, हर चीज़ को जंगल प्रेमी महसूस करना चाहता है, महसूस करता है। और जो देखिए, हमें पता है काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं टाइगर देखने के लिए और काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, तो उस चीज़ का हल तो मेरे पास यही है कि मुझे एक कार मिल जाए तो मैं सब कुछ आपको दिखा सकता हूँ। फिलहाल अभी हम आपको रोज़ वीडियो दिखा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौसम खुला हुआ है 5-6 दिनों से। टाइगर कौन नहीं देखना चाहता, हम खुद देखना चाहते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आपको खुद बताता हूँ कि मैं मेंढक देखो कैसा कूद रहा, इतने सालों से रह रहा हूँ, मैंने सफारी सिर्फ लाइफ में एक बार करी है, जी हाँ, वो भी जिम कॉर्बेट में एक बार भी नहीं करी। और रीज़न आप सबको पता होगा क्या होता है, वही थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है और कुछ नहीं, सबको पता है सफारी में कितने पैसे चाहिए होते हैं कितने नहीं, वो छोड़ते हैं। लेकिन हमने एक बार का सफारी करी है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की सफारी की है, और मॉर्निंग सफारी की थी। तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं टाइगर देखने जा रहा हूँ, जी नहीं, जिम कॉर्बेट का जंगल जो है इस पर टाइगर को ढूंढना पड़ता है। तो अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व, जी हाँ, यह है यूपी का टाइगर रिज़र्व जो बिजनौर के पास है, कालागढ़ नाम सुना होगा सबने। और इसकी जो सफारी थी वो काफ़ी अच्छी रही थी हमारी, मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपसे। मैं गया था विद फैमिली, तो देखिए फैमिली वाले खुश होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। और हमारे पापा घूमने के बहुत बड़े शौकीन हैं, और वैसे ही आदत हमारे अंदर है कि हम भी पूरा हर जगह एंजॉय करते हैं। तो हमारी सफारी शुरू हुई, थोड़ा सा अंधेरा था, मतलब सूरज की किरणें जो तांबे का कलर होता ना अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो कुछ दूरी पर हम पहुँचे, गेट खुला, तो एक अलग सी फीलिंग आई कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम सफारी कर रहे हैं और जंगल को मैं अंदर से देख पाऊँगा। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं जंगल को अंदर से देख पाऊँगा, जैसा अभी हम रोड पर देख पा रहे हैं, ये रोड से देख रहे हैं आप जंगल आसपास का, वैसे ही मैं जंगल को भीतर से जान पाऊँगा कि कितना सुंदर है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जाड़ों का टाइम था दिसंबर का और ठंड भी थी, तो हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन अंदर एक पूरा क्रेज था कि जंगल को देखना है। और शुरुआत में हमें हिरनों का झुंड देखने को मिला, चीतल हिरनों का झुंड जिसे स्पॉटेड डियर्स बोलते हैं। तो
हमने उसको अपने कैमरे में कैप्चर किया और इतना प्यारा मोमेंट था, मैं आपको बताता हूँ कि एक माँ और एक बच्चा, मतलब जो हिरन का बच्चा था माँ के साथ साथ था, जैसे बोलते हैं ना पैरों के साथ साथ बिल्कुल नीचे चलते हैं, जैसे हाथी के बच्चे अपने बच्चों को लेके घूमती है अपनी, वैसे ही बीच में लेके घूम रही थी, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। तो वो बहुत प्यारा मोमेंट लगा। फिर कुछ दूरी पर हम आगे बढ़े जहाँ पे वाटर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जानवरों के पीने के लिए। तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि जिप्सी सफारी वाले लेके जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ साइटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो लेके गए थे। लेकिन हमें मिले मेल स्पॉटेड डियर्स का ग्रुप पूरा, मतलब बहुत बहुत बड़ा झुंड था वहाँ पर, तो देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जो सुबह की मिट्टी की खुशबू थी उसके क्या कहने, मज़ा आ गया। मिट्टी हल्की सी नम थी, बैठी हुई थी, धूल ज़्यादा नहीं थी, ठंडी हवा चल रही थी और फैमिली मेरी खुश थी। तो कुछ आगे चलने पर एक सबसे बड़ा जो वहाँ का पॉन्ड होगा, वाटर पॉन्ड, वहाँ ले गए। वहाँ पर एक टावर था, वहाँ पर हम चढ़े तो जंगल की आवाज़ें, जो बर्ड्स होती हैं उनके चहचहाने की आवाज़ें, वाव, वो मोमेंट क्या था अभी तक याद है मुझे। और मुझे देखिए फ़ोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, चाहे वो नेचर की हो या लैंडस्केप हो, मतलब कैसी भी वाइल्ड लाइफ हो, मतलब हर तरीके की फ़ोटोग्राफी करने का मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून टाइप का है। और अगर मैं आपको अपनी कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर पाया, एक इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई जाए, तो सोचा आप लोगों से पूछा जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर तो कमेंट आए थे इसके लिए भी काफ़ी लोगों से, तो सोचा ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आईडी बनाई जाए। तो जल्द ही जब आईडी बनेगी तो आपको पोस्ट पर देखने को मिल सकती है, या हम वीडियो में बता देंगे किसी भी ब्लॉग में, डेली बनती है। ओ भाई ये कौन है भाई साहब, ये सही था। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति जंगल किनारे खड़े होकर आराम से सूरती मसल रहा था, पता नहीं इतना गट्स कैसे आ जाते हैं, हमें तो नहीं आया भाई। हम तो फिलहाल बाइक पर हैं अपना, तो कम से कम थोड़ा सेफ तो चल रहे हैं कि हाँ गाड़ी नहीं रोकनी ज़्यादा और चलते रहना है। यह गंदी स्मेल आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर। मैं बात कर रहा था अपने अमनगढ़ के एक्सपीरियंस की, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। तो हम वॉच टावर पर खड़े होकर थोड़ा सा सर्च करने लगे, और सुनने लगे टाइगर कॉल्स। जी हाँ, मतलब अलार्म कॉल्स, किसी भी जानवर की हो, पक्षी की हो, सबकी अपनी अपनी कॉल्स होती हैं, तो उसको सुनने लगे। तो मॉर्निंग का टाइम था तो नहीं आया कोई, फिर हम वहाँ से चले आगे की ओर। कुछ दूरी पर हमें दो मेल सांबर डियर, जी हाँ बिल्कुल जो वयस्क होते हैं, बिल्कुल हेल्दी, जो सबसे ज़्यादा हैवी वेट का होगा वो मिले। उनका हमने फ़ोटो लिया, वीडियो बनाई, अच्छा लगा। कि देखिए सबको पता है कि सांबर डियर जो होता है ज़्यादातर दलदली इलाके में रहना पसंद करता है, तो उसको दलदल टाइप की पसंद थी और दलदल में ही लौटता हुआ मिला था हमें, जो उसका नेचर है वो हमें देखने को मिला। तो इन्हीं चीज़ों से ऑब्जर्व करके पता लगता है कि क्या क्या एक्टिविटी जानवर की है, क्या करता है क्या नहीं करता है, तो सब ऑब्जर्व करके ही एक्सपीरियंस होता है इंसान को। वो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो दलदल में लौटता हुआ मिले, दो थे इसलिए। फिर हम आगे बढ़े कुछ पक्षियों के झुंड जो माइग्रेशन करके आए थे, माइग्रेट होकर आए थे। सबको पता है कि जाड़ों के टाइम में आते हैं दक्षिण साइड से। अब मैं
साइबेरिया से, मतलब अलग अलग जगह से होते हैं, अफ्रीका से अलग अलग, तो वो देखने को मिले उन्हीं तालाब में। अच्छा लगा कि बाहर के पक्षी हमें देखने को मिले। तो जब हम आगे बढ़े, टाइगर के पगमार्क मिले और हमने उनको देखा, अच्छे खासे बड़े पगमार्क थे, और वो टाइगर के नहीं टाइग्रेस के थे, इसलिए बड़े थे। सबको पता है कि आगे से उसके टाइग्रेस के नाखून होते हैं, तो थोड़ा सा उसका पंजा बड़ा होता है मेल टाइगर के अकॉर्डिंग। तो उसको देखा और वो हमारे जस्ट अपोजिट थे, मतलब मान के चलिए हमसे एक घंटा या आधा घंटे पहले निकल कर वहाँ से टाइग्रेस गई थी। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद हाथियों के झुंड के, मतलब पैरों के निशान मिले जो नदी की ओर जा रहे थे, तो हमसे वो भी मिस हो गए। कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमें लेपर्ड के पगमार्क मिले, लेकिन वो भी जा चुका था। इसका मतलब हमारी सफारी 6 बजे शुरू हुई थी, तो हो सकता है 4 या 5 बजे करीबन आसपास वो घूमे हो। और सबको पता है खाने की तलाश में, पानी की तलाश में जानवर जाते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम। तो टाइगर लेपर्ड के पगमार्क के बाद हम पहुँचे, तो 19 किलोमीटर की हमारी सफारी हो चुकी थी वन साइडेड, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जहाँ उतरते हैं खुले इलाके में। और मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ हम उतरे थे वो है बिल्कुल झिरना जोन के बॉर्डर पर। जी हाँ, जिम कॉर्बेट पार्क लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड था इधर जहाँ हम खड़े थे, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में खड़े थे हम। बस एक तार पार करने का वो था, अपने घर में ही होते समझ लीजिए, ऐसा होता झिरना जोन की ओर होते हम। तो बगल में ही झिरना जोन था और बगल में ही अमनगढ़, और अमनगढ़ जो है बफर जोन है। मैं आपको बताता चलूँ, और ये जैसे ही खुला था उसी टाइम हम गए थे, ये लगभग नवंबर में, 25 नवंबर या कितने ऐसी कुछ समथिंग खुला था पिछले साल। तो हम गए, हमने उसको एक्सपीरियंस करा, तो हमसे पहले कोई भी नहीं गया था, सिर्फ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं वो गए थे, उसके बाद हम गए थे। तो समझ लीजिए फर्स्ट यूट्यूबर होंगे जो हम गए थे अमनगढ़। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम वापसी निकले, और काफ़ी सारे हिरणों को ही देखने को मिला, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया था हमें। तो ये एक्सपीरियंस, जो मेरी बातें मैंने आपसे शेयर करी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरा सवाल था उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और देखिए लाइक कोई नहीं करता है, मान लीजिए 1000 अगर मतलब लोग देख भी रहे हैं तो लाइक मिल रहे हैं 10 या 20, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, बस लाइक का बटन ही तो दबाना है, उसको दबाएँ और हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, अपना साथ दें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नाइट ड्राइव में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। देखिए एक और सांप मिला घर जाते वापसी भी, वाह, और क्रेत है ये भी, क्रेत है, 4x नहीं हो पाया यार। देखिए एक और सांप मिला घर जाते वापसी भी, वाह, और क्रेत है ये भी, क्रेत है, 4x नहीं हो पाया यार। सडनली आती है वाइल्ड लाइफ, ऐसा ही होता हमारे साथ। तो दोस्तों आपने देखा, अभी हम घर बस पहुंचने ही वाले थे और पूरा जंगल छान के आ गए और वाइल्ड लाइफ मिली यहाँ। तो वाइल्ड लाइफ का क्या भरोसा, मैंने कहा ना कहीं भी निकल सकती है, उसकी मर्जी, वो जाने फिर उसे कहाँ निकलना है, कहाँ मिलेगी, और निकलेगी सडनली रोड पर। वो आपने देखा ये भी था, एक क्रेप स्नेक, तो वो तो खैर वाइल्ड लाइफ की मर्जी, उसको पता है कि उसे कहाँ निकलना है, कब निकलना है, किस जगह निकलना है। तो शायद इन मेरी बातों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा,
आपकी वाइल्ड लाइफ सडनली मिलती है।